हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को मेरी फैमिली हो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शेयर करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जो लोग कमेंट करते हैं आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो आप शेयर कीजिए ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब लोगों तक पहुँचेगी नई वीडियो तो कैसे बढ़ेंगे। और अगर मेरी आज आवाज़ में थोड़ा सा ढीलापन लगे तो मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है आज, जिसके कारण से आप लोगों को थोड़ी वीकनेस लग सकती है बात करने में। इसीलिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं जिस दिन व्लॉग नहीं डालूँ तो फिर मेरा मन नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने कहा व्लॉग तो डाल ही देती हूँ। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर में मॉर्निंग में कर रही हूँ, मॉर्निंग में मेरी तबीयत ख़राब है। और लेकिन जो लास्ट नाइट मेरी सही थी तो मैंने एडिटिंग कर ली, बस वॉइस ओवर छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था ना कि मॉर्निंग में मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़े का बेसन। तो मैं पकौड़े वैसे सभी लोग बना लेते होंगे, तो मैंने यहाँ पर जो भी मसाले होते हैं जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ डाल के और थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके मैंने यहाँ पर एक पेस्ट टाइप बना लिया है। आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हो, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अगर आप पतला करोगे तो वो बह जाएगा, पकौड़े नहीं बनेंगे। इस तरह के ही बेसन से पकौड़े बनते हैं, तो आप लोग इसी तरह की से फैट लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैंने अब परात का यूज़ किया, आप कटोरे का भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। और एक तरफ मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ा दी है, घी निकालने के लिए मैंने यहाँ पर बर्तन चढ़ाया हुआ था गैस के ऊपर, जो कि मेरे घी निकालना था मुझे। मैं दो दिन का घी निकाल लेती हूँ और इतना मैं सही है, मेरे इकट्ठा हो जाता है। मेरे यहाँ आप लोगों को पता है तीन ही जने हैं, तो ज़्यादा मुझे घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं ना बाज़ार से घी नहीं मंगाती, बहुत ही एक रेयर केस होता है जो मम्मी के यहाँ से मंगा लेती हूँ। मम्मी अगर अपने लिए मंगा रही हैं, कभी मम्मी को चांस पड़ जाता है तो मम्मी भी है ना बाज़ार से मंगाती, तो फिर मैं मम्मी से ही ले लेती हूँ। तो इसीलिए उसके बाद वैसे तो मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ निकालने की, नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो गई, घी नहीं है, तो इस तरीके से तो थोड़ा सा मंगा लिया ताकि बैलेंस हो जाए। इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। और घर का घी भी एकदम शुद्ध घी होता है, वैसे भी आप लोगों को पता है। तो इसे एकदम स्लो पर आपको पकाना होता है, एकदम स्लो आँच पर, ताकि वो जले नहीं तो फिर वो काला हो जाता है। और यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाने के लिए ली है बेसन, जैसे मट्ठी में मैंने बेसन को घोल लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी। इस तरीके से आप लोग जो भी है वो ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से। और बस इसको ऐड करने के बाद आपको बस इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है और बस ये मेरी जो कढ़ी है वो बन जाएगी। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं एकदम न्यू जो अपडेट होती है ना तुरंत के तुरंत वाली, वो मैं डालती रहती हूँ। तो अगर आप लोग वहाँ फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों को मेरी लाइफ की तुरंत अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है डालने में, तो इसीलिए आपको दो चार दिन वीडियो लेट भी पहुँचती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेथी दाना डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल जैसे ही मेरा गरम हो गया था वैसे ही। और इसमें मैंने रेड चिली डाल दी है, इसके बाद तेज पत्ता मैंने ऐड कर दिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसे चला लूँगी। और जो मैंने प्यूरी बनाई थी, मतलब मट्ठी में जो बेसन डाला था कढ़ी बनाने के लिए, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसे हम स्लो गैस पर एकदम डिम नहीं, थोड़ी सी हो कि हाँ कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो, उस पर हम लोग डाल देंगे। और इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चलाओगे नहीं तो ये फट जाती है कढ़ी। और मैंने भी यहाँ पर नमक नहीं ऐड करा है, नमक आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप नमक ऐड करोगे तो ये फट जाएगी, मटा फट जाता है। और इसी तरीके से नमक ऐड नहीं किया है और इसको मैं चलाती रहूँगी थोड़ी देर तक, और अच्छी तरीके से चलाना है। तब तक मैं यहाँ पर सारा काम इधर करती जाऊँगी। उधर मेरा जो घी था वो निकल गया है, तो मठा मठा अपने आप अलग हो जाता है। अब देखिएगा मठा मठा अलग हो जाएगा, घी ही आ जाएगा। और इसे छलनी से छान लीजिएगा, जिससे आपका घी घर का आराम से हो जाए। और थोड़ा थोड़ा करके बहुत सही इकट्ठा हो जाता है मेरा, कि मुझे मार्केट से मंगानी नहीं पड़ता।
तो इसीलिए देखिए मेरा यहाँ घी निकल गया है, और यहाँ पर इस डिब्बे में थोड़ा सा घी पहले का भी था तो वो भी मेल्ट हो गया है गर्म घी को डालने से। तो ये इस तरीके से मैं उठा के रख दूँगी एक साइड, और एक तरफ मेरी कढ़ी बन रही है और एक तरफ मुझे चावल बनाने हैं। तो चावल भी मैं बना दूँगी दीयू के लिए, दीयू का बहुत मन करता है कढ़ी के साथ चावल खाने का, और दीयू की कढ़ी फेवरेट भी है, एक दाल चावल और कढ़ी चावल। वैसे तो चावल सभी को पसंद होते हैं, दीयू को नहीं, सबको, मुझे भी है, आप लोगों को भी पसंद होंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए मेरी जो कढ़ी है वो एक तरफ से बन गई है, और बस इसमें अब ये बस फूलने लगी है। तो जैसे ये फूलेगी ना, तो जितना ज़्यादा अगर ये पकेगी ना, उतनी ही ज़्यादा मतलब कि इसमें अच्छी लगती है खाने में। और अभी मैंने यहाँ पर पकौड़े नहीं डाले हैं, जैसे मैं पकौड़े डालूँगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी अपने अपना कितना पतला खाते हो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जब मैं पकौड़े डालूँगी तो पकौड़े फूल जाएंगे इस कढ़ी में, तो वो इसका जो ज़्यादा पानी है वो अपने अंदर सोख कर लेंगे। तो ये कढ़ी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहें तो चावल वाली कढ़ी बना सकते हैं, आप बूंदी वाली, कोई पालक वाली, बहुत तरह की कढ़ी बनती हैं। और जो मेरे साथ भाभी की सासू माँ रहती हैं वो काफ़ी तरह की कढ़ी बना लेती हैं, जैसे कि पालक की कढ़ी, पकौड़े की कढ़ी, मिर्च की कढ़ी। आप लोगों को पता ही होगा कि कढ़ी है ना, कभी खाली नहीं बनाते, जिसके कारण से ना कुछ भी उसमें ऐड करते हैं तो बहुत तरह की हो जाती है। यहाँ पर हम आए थे अपनी फ्रेंड की बुआ की लड़की की शादी में, तो यहाँ पर हम सभी को टीका हो रहा था, क्योंकि हम अपनी फ्रेंड की बुआ की लड़की, तो यानी कि मायका था मेरा, तो इसीलिए मतलब हम लोग उसके भैया के बच्चे लगे, तो इसलिए भतैयाओं का यहाँ पर सत्कार होता है, भात मांगने जाते हैं, उसके बाद भतैया जब आते हैं भात देने, भात लेकर आते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने प्रीति का दुपट्टा अपने सर पर डाल लिया है, क्योंकि सिर ढककर ही टीका कराया जाता है, या फिर हाथ रख लो, कुछ भी कर लो, हाथ रख लो या सिर ढक लो इस तरीके से, तो तभी टीका कराना शुभ होता है। और यहाँ पर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे नीचे बैठकर, और हम लोगों ने मास्क वगैरह उतार दिए थे, फिर हाथ वगैरह धो लिए थे, क्योंकि हम लोग नाश्ता कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे, अभी आपको दिख जाएगी नीचे चाय रखी हुई। तो यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी तो आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी आदत है कि मैं हंसी मजाक बहुत करती हूँ, और लाइफ में खुश भी रहना चाहिए, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। ज़्यादा देखो गुस्सा सबको आता है, लड़ाई झगड़ा सबका होता है, लेकिन मन में बैठ जाना उस बात को लेके, मैं नहीं बैठ पाती, मुझे गुस्सा आती है बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में मेरी गुस्सा शांत हो जाती है, तो इसी तरीके से होता है मेरे साथ। आप लोग भी बताइएगा मुझे, देखिए मेरी, आप लोगों को पता ही है कि मेरी हैबिट है कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, शुरू से ही नहीं होती, तो इसीलिए एक चीज़ और है कि मुझे ना थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आता है लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता है, और किसी के लिए भी मेरे मन में नफरत नहीं रहती। तो यहाँ पर ये पैर वैर छूने की रस्म हो रही है, और दिशा आई है यहाँ पर, तो दिशा के भी टीका होगा, तो दिशा के पास तो कोई था भी नहीं, तो वो दुपट्टा डालती, तो उसने कहा मम्मी दीदी मेरे पास तो कोई दुपट्टा नहीं है, तो मैंने कहा तू ऐसे ही करा ले, सिर पर हाथ रख लिए, तो वो सिर पर हाथ रखा भी नहीं उसने, भाई भूल गई वो सिर पर हाथ रखना, वो बातें करती जा रही थी ना, मस्ती करते जा रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे हम लोग, तो छेड़ते छेड़ते फिर हम लोग क्या कहते हैं भूल जाते हैं एक दूसरे से बातें करने में, तो इसीलिए। तो यहाँ पर कई सारे जो सामने आमने के जो लोग थे वो भी आ गए थे, और ये हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है ना शादी में, आप लोगों को पता है, तो इसी तरीके से। और यहाँ पर सभी के टीका होता जा रहा है, मिठाई खिलाते जा रहे हैं, और यही भात होता है। और हाँ, किसी ने मेरे ओम प्रताप भाई करके है, मैं बता दूँ प्रदीप कौर है, प्रदीप कौर, अगर मैं से नाम लेने मिस्टेक हो रही हो, क्योंकि मैं दूसरे वाले फ़ोन मेरी दिया पर है, तो अगर ले रही मिस्टेक हो रही तो सॉरी, उन्होंने अपना नाम लेने के लिए बोला था, तो थैंक यू सिस्टर कि आप लोग, मैं सभी से बोलूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, सभी लोग मेरे लिए हेल्प, सभी लोग बराबर हो, ये नहीं कि एक इंसान, सभी लोग बराबर हो मेरे लिए, तो सभी लोगों को दिल से थैंक यू, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने नाम लेने के लिए बोला था, तो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और कि जो ओम प्रताप भाई ने मेरे से पूछा था कि किसकी शादी है, तो मेरी फ्रेंड की बुआ की लड़की की शादी है, और इन्होंने ना हम लोगों को बुलाने के लिए कार भेजी थी, तो ज़्यादा पास नहीं, आगरे में ही है शादी, दूर नहीं है, आगरे में ही है, पास में, आगरे के साइड में, आउट
आउट आगरा है, मतलब गांव तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दीयू कुछ खा रही थी प्लेट में से, मैं नाश्ता रखा था ना तो वहीं पर, तो मैं दीयू से कह रही हूँ क्या कर रही हो आप। तो यहाँ पर दिया कपड़े वपड़े दिशा शूज़ वगैरह पहन रही है। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप क्यों ज़रूरी है हर लेडीज़ के लिए ये मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये आपका पैसों को बचाता है, दूसरे नंबर आपको कई सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि पैड लगाने से होती हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम कहीं घूमने जाते हो वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिलती चेंज करने की, तो हमें मजबूरन वही पैड लगाना पड़ता है जिससे हमारी बैड स्मेल आती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अजीब सा अंदर से हैप्पीनेस होती वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं, इसके लिए भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का कप होता है, इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। साथ ही साथ यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, ये आपको 5 से 6 घंटे तक, वैसे 12 घंटे की इसकी होती है, लेकिन आप 6 घंटे तक इसे लगाकर उसे कहीं पर भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो आप इसे 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, यहाँ पिक्चर आ रही है, आप लोग उसे जाकर बाय कर सकते हैं।